कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं ये मैं मनोज दे, जो हम लोग का झारखंड के धनबाद जिला से बिलोंग करते हैं, उसी का वीडियो को देख करके मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। नौटंकी इतना फिल्मी दुनिया में भी नौटंकी नहीं हुआ होगा, उतना हम दोनों का शादी में रिश्ता को लेकर के नौटंकी हुआ है। दोस्तों, लैला मजनू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो अभी बताने वाले हैं विलियम कि YouTube में आने से पहले, है ना, YouTube में आने से पहले मैं क्या करता था, क्या नहीं करता था मतलब क्या करता था मैं, क्या काम करता था, इसी के बारे में आज आप लोग को बताने वाले हैं। सो गाइस, चलिए आप लोग को सबसे पहले बताते हैं कि मेरा एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और मेरे ज़िंदगी में मैंने कितना स्ट्रगल किया, तो यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। हो सकता है मेरे लाइफ में जैसा जैसा मैंने फेस किया है वैसे शायद आप भी फेस किए होंगे और आप भी सफलता पाए होंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मेरा एजुकेशन, बचपन का जो एजुकेशन हुआ वो तो सबसे फर्स्ट विद्यालय तो होता है परिवार ही होता है, आप लोग को पता ही है। उसी के बाद, परिवार के बाद हम लोग जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, या तो फिर ये तो क्या बोलेंगे, अपना जो घर का स्टेटस के अनुसार हम लोग स्कूल जाते हैं। तो गैस मेरा जो फैमिली है बहुत ही अभी क्या बोलेंगे, मतलब पुअर हैं एक्चुअली। और पहले ऐसे एक समय था जो मैं जब पढ़ने जाता था, उस समय की बात मैं याद करता हूँ कि कभी कभी तो बिना खाना खा के पढ़ने के लिए मैं जाता था, स्कूल जाता था। और मेरा फर्स्ट जो एजुकेशन हुआ हम लोग का बमनी स्कूल में ही, उत्क्रामिक मध्य विद्यालय उसके बमनी, जो इधर के जो हैं वो लोग देखे होंगे, यहाँ बमनी में ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं बहुत छोटा सा था, एकदम चुन्नू सा था। उस समय मेरे भैया लोग जाते थे तो उनके साथ मैं भी जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गाना गाने के लिए कहा गया, तो भैया लोग गाना गाना नहीं चाहते थे। वो लोग क्या हुआ कि दौड़ के रूम से निकल गए, क्लास रूम से निकल गए। टीचर अकेली थी, क्या कर सकती थी। अब दो दरवाज़ा था, दो दरवाज़ा कब एक तरफ बंद करने गए तो दूसरी तरफ से निकल गए वो लोग, और मैं मतलब पीछे रह गया। मैं तो क्लासरूम में, मैं तो छोटा था। उसके बाद टीचर बोल रही है मेरे को कि चलो गाना गाओ। अब मुझे उस समय गाना गाने सब नहीं आता था, सिर्फ हमको रोना आता था रोना आता था केवल। तो फिर मैं रोना शुरू कर दिया। उसके बाद टीचर हमको भी निकालने दी। उसके बाद मैं निकला और वहाँ से फिर हम लोग घर आए। उसके बाद फिर से स्कूल गया ही नहीं वहाँ उसके बाद कुछ साल के बाद थोड़ा बड़ा हो गया मैं, फिर मैं चला गया कोणाकिल स्कूल। वहाँ भी प्राइमरी सरकारी स्कूल ही है, गवर्नमेंट स्कूल ही है, वहाँ चला गया पढ़ने के लिए। वहाँ पर भी करीबन 2 साल जैसा मैं पढ़ाई किया, लेकिन एक दो का खा पहाड़ा ये सब मुझे कुछ नहीं आता था सिर्फ बैठने के लिए जाते थे वहाँ, और उसमें चावल मिलता था और झोला भी मिलता था तो और यहाँ से जब जाते थे स्कूल कोणाकिल स्कूल, तो उस समय ट्रक बहुत ज़्यादा था, इधर बालू लेने के लिए लोग आते थे, ट्रक गाड़ी वाले लोग आते थे, तो उसी ट्रक से हम लोग जाते थे। जब तक ट्रक नहीं जाएगा तब तक हम लोग भी नहीं जाते थे स्कूल। और ट्रक जैसे वहाँ से बालू लोड किया, मतलब हम लोग इंतजार करते रहते थे, फिर जैसे बालू लोड किया और तुरंत हम लोग चढ़ना शुरू करते थे गाड़ी में, वैसे करते तब फिर स्कूल जाते थे। फिर उधर से आते थे, उस समय भी ट्रक से आते थे। तो ऐसे हुआ मेरा एजुकेशन, कोणाकिल स्कूल का जो एजुकेशन मेरा ऐसा हुआ, लेकिन मैं कुछ सीखा ही नहीं। उसके बाद मेरे गांव के जितने भी दोस्त लोग थे वो लोग जाते थे गौरबड़ा स्कूल। गौरबड़ा यहाँ प्राइवेट स्कूल है, अभी भी प्राइवेट ही है, तो वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। फिर मेरे माँ पिताजी भी सोचे कि चलिए सब बच्चे इधर जा रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं, मिशन स्कूल में जा रहे हैं, तो हम लोग का विलियम को वहीं पर एडमिशन करा देते हैं। तो वहाँ पर मुझे एडमिशन मेरा नहीं हुआ था, वहाँ पर सिर्फ मैं जाता था बैठने सीखने के लिए। तब हम ही लोग का एक मेहमान टीचर है,
जो रमजा से लेकर प्रभा नाम है अभी तो मेर की है, तो वो टीचर मुझे जानती थी, वो मेरी चाची लगती है। तो एक दिन क्या हुआ, वो मुझे मतलब गाना गाने के लिए उठाई, तो मैं गाना गाया, मुंडारी में गाना गया था। कैसे गया था? हाँ याद है, याद तो चीरे दुलाड़ गति ताने ओ कोरिमा जागरम गी सनान्या, ये वाला मैं गाना गाया। तो वो जो मेहमान टीचर थे, चाची थी, वो सुन के उसको सर बहुत अच्छा लगा, तो वो दोबारा हमको गाना गाने के लिए बोले। और फिर क्या हुआ, मुझे गाना गाने के लिए वो बोले और कॉपी पे लिखने लगी। ऐसा था मेरा बचपन से, मतलब एक गाना गाने का मतलब शौक था। तो ऐसा हुआ। नहीं, वहाँ तो बहुत छोटा था, उसमें कुछ नहीं जानता था, बमनी स्कूल में कुछ मतलब नहीं जानता था, उसमें बहुत छोटा था। तो ऐसा हुआ, इसलिए बमनी स्कूल में गाना गाने नहीं सका वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसे हुआ, गौरबड़ा स्कूल पे मतलब टीचर गाना गाने के लिए बोली, फिर वो लिखने लगी। तो वैसा ही बढ़ते गए। एक साल के बाद मेरा एडमिशन हुआ 2000 ईस्वी में मेरा एडमिशन हुआ। और ऐसे पढ़ते गए, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब मैं डांस भी करता था, गाना भी गाता था, हर प्रोग्राम में मैं भाग लिया हूँ, सुमंती जानती है। हर प्रोग्राम में मैं भाग लिया हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, स्कूल का प्रोग्राम नहीं था जिस प्रोग्राम में मैं भाग नहीं लिया हूँ। तो ऐसा था गाइस। और जब भी मैं नाचता था तो मतलब मेरा नाच देखने के लिए इतना भीड़ हो जाता था स्कूल में, बहुत ज़्यादा, जैसे मेरा अनाउंसमेंट हुआ और पूरा भीड़ ऐसे होता था। तो अभी नहीं नाचता हूँ उतना, ठीक है। तो ऐसे हुआ, वहाँ से मैं पढ़ाई किया, उसके बाद 2009 पहुँचा, तो 2009 में मेरे ऊपर FIR हो गया। आप लोग को पता है, मैं बताया था, अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कि क्या कारण से मुझे जेल जाना पड़ा था, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैं मतलब तो छोटा ही था, उसमें मैं नाबालिग था। तो फिर 2010 में मैं बोर्ड परीक्षा लिखा और इसमें फर्स्ट तो मैं नहीं कर पाया, सेकंड में आया। उस समय हम लोग के जितने भी बैच लोग थे, एक ही फर्स्ट निकला था, सब सेकंड। तो ऐसा हुआ, उसके बाद सोसाइटी पे चला गया, सोसाइटी में रहे, सोसाइटी में सब एक साल में था, उसके बाद उधर से आया। आने के बाद वहाँ भी मन नहीं लगा, वहाँ पर भी मतलब अजीब टाइप का, मतलब क्या बोले, दिन रात मतलब प्रार्थना प्रेयर होता था। तो एक्चुअली क्या बोले, मतलब आदत नहीं था उस प्रकार से कि दिन रात प्रेयर करें, या तो फिर घर में मुझे काम करने को नहीं मिलता था, हॉस्टल में भी रहते थे तो इसलिए मेरा मतलब काम उतना नहीं करते थे स्कूल के टाइम। उसके बाद जैसे उधर से आए, उसके बाद मैं मतलब भट्ठा काम करने जाते थे, मतलब इट्टा ढोने के लिए मैं भट्ठा काम करने, इट्टा भट्ठा बोलते हैं, तो वहाँ मैं काम करने जाता था। वहाँ 2-3 महीने मैंने काम किया वहाँ पर। उसके बाद फिर आए इधर सोसाइटी से, आने के बाद मैं भट्ठा काम करने के लिए जाता था, और चौका सब भी मैं ढोता था, तालाब कोड़ने सब के लिए हम लोग जाते थे। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर 2013 में, आप लोग को पता है कि जैसे मैं कॉलेज के लिए एडमिशन लिया बिरसा कॉलेज में, तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं होता था, पढ़ाई होता है नहीं होता है पता ही नहीं चलता था, किधर क्लास हो रहा है नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता था, उस टाइम कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर पढ़ाई हो रहा है ये भी पता नहीं चलता था बिरसा कॉलेज में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ, फिर यहाँ तो पढ़ाई नहीं होता, पता ही नहीं चलता कहाँ पर पढ़ाई होता है ये भी नहीं पता चलता है, इससे अच्छा है कि मैं प्लस टू पे ट्रांसफ़र करा लूँ। फिर वहाँ पर ट्रांसफ़र कराने के लिए लेटर लिखे प्रिंसिपल जी के पास, मैं जमा किया, फिर प्रिंसिपल जी ने वहाँ से ट्रांसफ़र लेटर लिखा वहाँ से, फिर मैं प्लस टू LN प्लस टू बोलते हैं मुरहू, वहाँ मैं पढ़ने के लिए आया। और वहाँ एक महीना ही मैं मुश्किल से गया था, एक महीने मुश्किल से गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पिताजी का तबीयत खराब था, वो डेथ कर गए, और उस समय
मेरा एग्जाम भी चल रहा था, फर्स्ट ईयर का मेरा एग्जाम चल रहा था, और अब ऐसा मैं दुविधा में पड़ गया कि अब एग्जाम लिखने जाऊं कि पिताजी का दफन करने मैं जाऊं, ऐसा हो गया। और एक साल में अगर मैं नहीं लिखूंगा एग्जाम तो मुझे फिर से एक साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो गया मेरा। उसके बाद मैं उस समय मैं अपना घर पे मैं नहीं रहता था, दीदी के यहाँ मैं रहता था गुड़ाटोली में। तो फ़ोन के द्वारा मुझे बताया गया कि पिताजी आज देहांत हो गए। तो फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था, बहुत बुरा फील हो रहा था। फिर मेरा एग्जाम तो एग्जाम था, फिर क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं सुबह सुबह में आया, प्लस टू कॉलेज आया मैं। फिर उस समय मैडम थी घगारी की मैडम, मैं उसका नाम मैं भूल गया, तो वो मैडम थी, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किया, मैडम आज मेरा एग्ज़ाम है और सेकेंड हाफ में है, तो मैं चाहता हूँ कि सेकेंड हाफ का एग्ज़ाम को अभी ही, मतलब फर्स्ट हाफ में मैं लिखूँ, ऐसे मैं रिक्वेस्ट किया। और मैडम फिर बोली कि ऐसा क्यों पूछी, तो मैं बोला कि मेरा पिताजी का डेथ हो गया है, तो उसको दफन करने के लिए भी जाना है। तो मैडम बोली कि ठीक है, ऐसे करो, तुम आज दफन करने ही जाओ, एग्ज़ाम मत लिखना, दूसरा दिन एग्ज़ाम लिख लेना, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बोल के बोली, एक एप्लीकेशन लिख लेना और उसके बाद जमा कर देना और तुम चले जाना पिताजी का दफन करने के लिए। उसका तो ऐसा ही मैंने किया, फिर आए, फिर पिताजी का दफन अच्छा से हुआ। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम 20 तारीख को ख़त्म हुआ, 20 तारीख को ख़त्म हुआ तो 21 तारीख तक मैं पुलिस लोग का कॉल आ गया, पुलिस का कॉल आ गया, विलियम तुम सरेंडर हो रहे हो नहीं। तो मैं बोला कि ठीक है सर, कर मैं जाऊँगा, कहाँ, तो इसके बारे में तो मैं आप लोग को बताया हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। फिर मैं चला गया जेल, जेल से निकलने के बाद रांची में ही मैं रहा 1.5 साल, वहीं से ड्राइविंग भी किया, ड्राइविंग मतलब क्लास भी किया, और उसके बाद फिर वहाँ से 1.5 साल 2 साल के बाद रांची से घर आए। तो उसके बाद मैं फिर रांची चला गया मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर ट्रेनिंग के लिए, यहीं से मतलब आना जाना करते थे, बस से आना जाना करते थे, और मेरा 30 रुपये भाड़ा लगता था, जाने का 30 रुपये और आने का 30 रुपये लगता था, तो इस तरह से। और ये भी मैं लोन ले करके ट्रेनिंग किया मोबाइल रिपेयरिंग, और अभी भी सामान सब है, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग कॉल कर सकते हैं मुझे। तो ऐसे हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग मेरा ख़त्म हुआ, फिर मुरहू में मैं काम करता था, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, वहाँ पर 6-7 महीने मैंने काम किया। तो दूसरों के अंडर में थोड़ा काम करना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि प्रेशर रहता है तो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं वहाँ भी काम करना छोड़ा। नहीं, वहाँ से मतलब जैसे वहाँ काम कर रहे थे तो उस समय ही मेरे भाभी लोग बोले कि स्कूल में जगह खाली है, यहाँ पर आ करके तुम टीचिंग कर सकते हो, बोल के बोले भाभी लोग, और मेरे भैया लोग विपिन भैया लोग बोले। उसके बाद ठीक है, मैं बोला उनको, फिर टीचिंग करने के लिए मैं ज्वाइन किया यहाँ सैनिक संस्था की ओर से, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला था, तो वही 1.5 साल या 2 साल का था, तो मैं यहाँ पर फिर टीचिंग किया अपना गांव का स्कूल में ही, जो मेरा फर्स्ट एजुकेशन मैं ग्रहण करने के लिए गया था, जहाँ मैं रोया था पहले, वहीं स्कूल पे टीचिंग किया। उसके बाद वहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया था, फिर मैं अपना मोबाइल शॉप ही मैं खोला, मतलब रिपेयरिंग शॉप खोला। उसके बाद फिर उसमें भी मैं 5-6 महीने काम किया। उसके बाद फिर गौरबेड़ा से सिस्टर लोग बोली, आयरिन सिस्टर बोले कि तुमको टीचिंग करने के लिए जाना चाहिए हम लोग के यहाँ, बोल के बोल रही थी। तो फिर मैं बोला कि नहीं अभी तो नहीं सिस्टर, अभी तो मैं दुकान खोला हूँ, इसलिए दुकान पर अभी मैं काम करूँगा, मैं बोला। तो फिर वही आयरिन सिस्टर बोला नहीं तुम चलो, बोल के बोल रहे। फिर मागरी सिस्टर भी थी, वो भी तुम चलो हम लोग के यहाँ टीचिंग करने के लिए, अभी जगह खाली है, बोले। तो फिर ठीक है तब चलिए, और जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में टीचिंग करने के लिए मौका मिल रहा था, चलिए, सोचा मैं। उसके बाद गया, 2019 सितंबर का महीना पे मैं ज्वाइन किया था वहाँ पे, और सुमित फदर उस समय हाई स्कूल का हेडमास्टर थे, तो बात हुआ। उसके बाद वहाँ पर टीचिंग किए, कोरोना काल में फिर से मैं, क्योंकि स्कूल तो बंद हो गया था, कोरोना काल में स्कूल तो बंद हो गया था, तो फिर मैं फिर से बेरोजगार हो गया।
अब इधर का ना उधर का टाइप का माया हो गया, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग करना मैं नहीं छोड़ा था और घर में भी मैं रिपेयरिंग सब करता था। तो फिर क्या हुआ कि कोरोना काल हो गया, उसके बाद उसी टाइम मतलब मोबाइल सब मैं देखता था, यूट्यूब में कुछ कुछ देखता रहा। तो अचानक से मैं स्क्रॉल किया तो वहाँ पर एक ऐप मिला मुझे, स्टार मेकर और स्पिटली, ये ऐप है, इसे आप कराओके सॉन्ग गा सकते हैं, इस प्रकार से थंबनेल में लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा ये क्या है, तो फिर मैंने उसी में क्लिक किया। उसमें मुझे कुछ नहीं आता था, यूट्यूब से क्या होता है क्या नहीं कुछ नहीं पता था। फिर मैं उसको देखा वाला वीडियो, फिर इंस्टॉल किया अपने मोबाइल पे, फिर वही कराओके सॉन्ग मैं गाता था, हिंदी सॉन्ग कवर सॉन्ग मैं गाता था। उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत लोग मुझे सपोर्ट किया था। उसमें जैसे जैसे सब गाइएगा वैसे ही वहाँ पर नंबर भी दिखाता था कि आप कितना अच्छा से गा पा रहे हैं। तो करीबन मेरा वही आता था 90 या 95 इतना आता था नंबर। तो मैं सोचता था कि चलिए कम से कम अच्छा गा रहा हूँ, तो मेरा हौसला बढ़ता था। इस प्रकार से मैं गाया, फिर उसी को डाउनलोड करके यूट्यूब चैनल एक क्रिएट किया। मैं कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं ये मैं मनोज दे, जो हम लोग का झारखंड के धनबाद जिला से बिलोंग करते हैं, उसी का वीडियो को देख करके मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। फिर उसमें अपलोड करता था, अपलोड करने के बाद भी मतलब मुझे कुछ पता नहीं था उसमें पैसे कमाया जा सकता है या क्या किया जा सकता, क्या किया जा सकता है, थंबनेल कैसे लगाया जाता है, मुझे कुछ पता था। बस मैं तो इतना जानता था कि मैं भी गाना गाऊंगा और लोग सुनेंगे तो मैं फेमस हो जाऊंगा, यही मैं सोचता था, इसलिए मैं गाना गाया करता था ऐसा था। इसके बाद धीरे धीरे से वैसे जानकारी होते गया। फिर एक दिन मैं वायलेक्स में सर्च किया, कुछ कुछ देख रहा था, तो वहाँ पर सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने के लिए QVS 5 का सॉफ्टवेयर मुझे मिला और एक FL स्टूडियो का। तो सबसे पहले मैं FL स्टूडियो पे काम किया, उसी में पहले मैं सीखा सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने, मिक्सिंग सर, उसके बाद फिर QVS 5। अभी एक बिहार का लड़का से मंगवाया थे, एक बिहार का लड़का के यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर खरीदा था और एक आसाम का लड़का से, तो आसाम का लड़का से अभी भी मेरा कॉन्टेक्ट है और उसी के पास से अभी भी मतलब जो भी VST प्लगइन रहता है उसको मैं परचेस करता हूँ। और धीरे धीरे से सब चीज़ वो देखते देखते मतलब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो सब मैं धीरे धीरे से मतलब परचेस किया। और आप लोग को पता है कि मेरा जो होम स्टूडियो था पहले का वो कैसे था, एकदम क्या बोलेंगे मतलब एकदम खुला जगह में मैं गाना गाता था, तो बहुत नॉइस आता था और आना जाना करते थे लोग भी, तो उनको मैं मना भी नहीं कर सकता था, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता था। और बच्चे तो बच्चे खेलते रहते थे यहाँ, और जब मैं गाना गाता था तो ये आसपास के लोग बोलते थे कि ओझा बन रहा है, गुनगुना रहा है, क्या क्या कर रहा है, इस टाइप का लोग मतलब चिढ़ते थे मुझे। बट मैं हार नहीं माना। और वैसे ही गाना मतलब रिकॉर्ड करते थे, फिर पर डे मैं एक गाना अपलोड करता था। मैं सोचा भी नहीं था कि मेरा सॉन्ग वाला चैनल इतना जल्दी ग्रो होगा। एक सप्ताह में ही मेरा चैनल क्या हो गया था, मोनेटाइज हो गया था। बट मुझे पता नहीं था कि कैसे मोनेटाइज किया जाता है, मुझे पता नहीं था। तो एक दिन मैं पावल के पास गया, पावल को भी उस समय मैं नहीं जानता था, वो भी हमको नहीं जानते थे, लेकिन अभी अच्छा से हम दोनों का पहचान है। तो उसके पास गया, फिर मैं बोला कि मेरा चैनल कैसा हो गया, तो फिर मतलब मोनेटाइज कैसे करते हैं, कैसे पैसे कमाया जा सकता है। फिर उसी के पास गया, फिर अपना पासवर्ड सब बताए, फिर वहाँ से हम लोग एक्टिवेट किए, मतलब वहाँ मतलब क्या बोलेंगे मोनेटाइज किए, अपने पावल ही मोनेटाइज कराए। उसके बाद वैसे कभी तो मैं डालते गया, उस समय मैं वीडियो सब नहीं बनाता था। पहले का आप लोग सॉन्ग देखिएगा तो उसमें आपको उतना अच्छा से नहीं लगेगा सुनने को, और फिर उसमें थंबनेल सब भी अच्छा से नहीं है और म्यूजिक सब भी अच्छा से नहीं है, तो ऐसा था। मैं उसमें कुछ नहीं जानता था, तो किसी से सब सीखा मैं नहीं हूँ, क्लास सब नहीं किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। तो भैया मतलब बजाता था, मेरा भैया है, मेरा मामा का बेटा है बिपिन कुर्ति करके, तो उसको मैं देखता था कि किसी को कैसे बजाया जाता है, उसका सारे गामा कुछ पता नहीं था मुझे। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे उसको देख देख कर मैं सीखा। सीखने के बाद एक दिन क्या,
तो फिर एक दिन क्या हुआ कि भैया का किस्से मैं पकड़ा, फिर बजाना शुरू किया। तो एक ही गाना मुझे बजाना आता था, सारे गाना सबसे पहले तो मैंने सीखा कि कैसे बजाते हैं। और मेरा हाथ भी नहीं चलता था, कुछ नहीं होता था, हिलता ही डुलता नहीं था मेरा, उंगली सब कुछ नहीं होता था। और वैसे करते करते फिर लैपटॉप चलाने सब भी मैंने सीखा। भैया का ये लैपटॉप से सेकेंड हैंड हम लोग लिए थे 15,000 में, 13,000 में हम लोग लिए थे HP का। तो उसी से मैं लैपटॉप चलाना भी सीखा हूँ। मैं कुछ मतलब वैसे कहीं पर मैंने क्लास नहीं किया, तो फिर धीरे धीरे से वैसे ही सीखते गया। और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास अभी तो वोकल रूम भी है और केसियो भी है, XPS 30 है और मोनिटर भी है, HS 5 है यामा का, और माइक भी है। और अभी मतलब करीबन ऐसे मैं खरीद लिया हूँ अपना गाना रिकॉर्डिंग सब करने के लिए। और धीरे धीरे से ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि प्रगति करूँ आगे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। तो गैस कहीं ना कहीं मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, मेरे साथ जो घटना घटी है वो घटना आपके साथ भी घट चुका होगा, बट हो सकता है आप भी मेरे जैसा मतलब हिम्मत वाले होंगे और अपने मतलब क्या बोले राह में मतलब जो भी काटे आया उसको आप लोग साफ करते अपने मंजिल तक पहुँचे होंगे। तो गैस जिंदगी में कहा जाता है कि आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किलें आती है हर कदम कदम में। जिंदगी केवल फूलों का सेज नहीं है बल्कि जिंदगी का कांटा भी है कहा जाता है। तो इसलिए गैस कि हिम्मत जो आज तक में जो नहीं हारे हैं वही आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। तो गैस अगर आप हार नहीं माने तो एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसलिए गैस आप लोग मेहनत कीजिए, और मेहनत करने का फल आप लोगों को पता ही है मीठा होता है। और मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप पागल बनिए। क्या बनिए? पागल बनिए, लेकिन वैसे पागल बनिए जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ऐसे पागल नहीं बनना है जो रोड पे घूमते रहने वाला पागल नहीं बनना है। आप लोग को पता ही होगा, पा से पाने वाला, गा से गतिशील और ला से लक्ष्य। तो क्या होता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होना है, गतिशील बनना है, तब जा करके सक्सेस आदमी बन सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए गैस मेरा यही कहना है कि आप लोग कभी भी हिम्मत मत हारिए, डेली आप लोग वीडियो अपलोड कीजिए। मैं एक दिन वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आज वीडियो मैंने अपलोड क्यों नहीं किया। और सुमंती नहीं थी, आज ही आई है, तो हम लोग साथ में वीडियो बना रहे हैं आज। देख सकते हैं ये गांव गई हुई थी, तो अभी 2 दिन से रहेगी, फिर वीडियो सब हम लोग बनाने के लिए जाएंगे, देखते हैं अब क्या होता है। ना तो गैस ये हुआ मेरे साथ, ऐसे ऐसे घटना हुआ, लेकिन मैं हार नहीं माना। तो आप लोग भी हार कभी मत मानिए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगा। तो यदि अगर चैनल पे नए हैं तो क्या करें? सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। तो सुमन के नई है इसलिए अभी बोलने सब सीख रही है, और मैं भी नया ही हूँ, है ना, उतना हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है बोलने के लिए। बस हम दोनों का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो वीडियो के माध्यम से बोलने का जो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम लोग का एक्सपीरियंस बढ़े और अच्छा से हम लोग आप लोग को बता सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, तो अगर आप लोग को बुरा फील हुआ तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं ना, माफ़ी चाहते हैं हम दोनों की ओर से, क्षमा चाहते हैं हम दोनों। बस इतना चाहते हैं कि आप लोग बस सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि एक सब्सक्राइबर से हम दोनों का मनोबल बढ़ता है, मतलब मोटिवेशनल बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए गैस प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हम दोनों को। और तो ठीक है गैस, आज का वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, हम दोनों का प्यार को लेकर के, रिश्ते को लेकर के मिलेंगे बहुत जल्दी। और हम दोनों का शादी नहीं हो रहा था, और हम दोनों का शादी कैसे क्यों नहीं हो रहा था, कैसे और क्यों नहीं हो रहा था, एकदम मुश्किल से हम दोनों का रिश्ता बना है,
मतलब एकदम नौटंकी हो गया, इतना नौटंकी, इतना फिल्मी दुनिया में भी नौटंकी नहीं हुआ होगा उतना हम दोनों का शादी में रिश्ता को लेकर के नौटंकी हुआ है। इसलिए गैस आप लोग हम दोनों के चैनल पे हमेशा बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो ठीक है गैस, हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।